भाई तू अभी मेरे को पूरा कंफर्म है तू है पर है भाई क्या नहीं मजाक हो रहे हैं हम बेइज्जती करवाने आए हैं नफरत ना करके दूर दिल ते साथ निभाइयो। एक बात बोलूँ तो कैसे हो मेरे पबजू वाले भाइयों। तो भाइयों आज की गेम प्ले वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, और ये तो आपको भाई ये सुनकर ही पता चल गया होगा जो रैंडम प्लेयर बोलने लग रहा था। मतलब कि गेम ऐसा गया कि भाई ये मुझे ना हैकर बोलने लग गया। अब क्या हुआ था भाइयों देखना, वीडियो पूरी देखना। और मैंने ना बीच में भाई इसको बिल्कुल म्यूट भी कर दिया था क्योंकि भाई हमारे बीच में जो है बहस हो गई थी और ये कुछ गलत वर्ड यूज करने लग गया था। वो क्यों करने लग गया था वो भी आप देखना। तो हम जोर जो में आए थे और मैच जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। अब भाई अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो मुझे नहीं पता भाई बेशक से खाना खाते खाते देखो या फिर भाई नहाते नहाते देखो, लेकिन भाई वीडियो को चला कर छोड़ दो और देखते रहो भाई बस। तो अभी जो है आगे फाइट होने लग रही थी, पहले भाई उनको प्रसाद देकर आते हैं फिर आगे देखना। और भाई किसी किसी की किस्मत ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। अभी इसको देखो भाई ये अपने टीममेट से जो आशीर्वाद लेने लग रहा था और ये अपने पैरों पर खड़ा हो भी गया था, लेकिन भाई किल चोर ने ना बहुत ही गलत टाइम पर एंट्री मारी और UMP की सारी गोली इनके अंदर उतारी। अब इन दोनों की भाई पेटियाँ चमकने लग गई थी और मैं यहाँ से लूट वूट करके आगे निकलता हूँ। मेरा 2 नंबर वहाँ पर था भाई। अब मुझे नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। अब आगे टीम थी और देखो भाई अब क्या हुआ। और अगर बार बार भैया ऐसे ही मुंडी निकालेगा ना तो टपका दूंगा बेशक से। तू दारू नाम रख या कुछ भी रख, मैं पेटी बना दूंगा। अब इसको तो टपका दिया था, लेकिन इसके दूसरे टीममेट को टपकाने के बाद ना मुझे तो भाई शांति मिल गई, लेकिन हमारे 2 नंबर को शांति नहीं मिली। अब देखो मुझे क्या बोलने लग गया, और बहुत कुछ बोला था उसने, मैंने कट कर दिए। तो सच में किल चोर है अबे भाई, किल इतने गंदे किल चोर नहीं होता क्या कर लेगा। और भाई अब जो है इसने मुझे ना कुछ ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे शब्द बोले जो मैं आपको नहीं सुनाना चाहता। और मैंने इसको बोला था कि भाई तू चुप हो जा, नहीं तो मैं ऐसी ऐसी बातें बोल दूंगा कि अगर तू रात को उठ भी गया ना तो याद कर करके रोने लग जाएगा। लेकिन ये बोला कि भाई नहीं होता चुप, बोल क्या कर लेगा। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ दो भाई गेम पर ध्यान दो, और मैंने उसका जो है स्पीकर ही ऑफ कर दिया अगर आपने देखा हो तो। मैं नहीं बचूंगा मैं ये सोचने लग रहा था और अपनी सांसें रोकने लग रहा था, लेकिन हमारे 2 नंबर भैया ने जो हमें बचा लिया। और जैसी जैसी हमारे बीच में बात हुई थी ना, पहले मुझे नहीं लग रहा था कि ये मुझे आशीर्वाद देंगे, लेकिन भैया हमें जो आशीर्वाद मिल चुका था और हम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो पाए। और फिर मैंने भाई इसका जो है अभी तो स्पीकर नहीं ऑन किया, लेकिन कुछ देर बाद मैं कर दूंगा। और यहाँ पर हम लूट वूट करते, और आपको तो पता कि मैं पहले किल चोर था, लेकिन भाई जब से हमारा ग्लोबल वर्जन बैन हुआ ना फिर मैं कपड़े चोर भी हो गया। तो अब जो है मैं क्या करता हूँ, वही जिसके भी अच्छे से कपड़े लगते हैं ना मुझे, मैं उठा कर निकल देता हूँ। वॉच आउट। और भाई अब जो है यहाँ पर हमारी पेटी बनते बनते बच गई, नहीं तो भाई जैसे इसकी पेटी चमकने लग रही है ना अभी जो है किल चोर की पेटी चमकती मिलती है यहाँ पर। और मेरी हेल्थ इतनी कम हो गई थी ना, मेरे पास हेल्थ किट थी और मैं यहाँ पर हेल्थ किट लगाता हूँ, और बोट भी आ गए थे। अगर बोट भी मार देता ना भाई तो आज मेरी पेटी बन जाती और हमारे जो 2 नंबर थे वो तो टावर पर जाकर बैठ गए थे।
भाई ये टावर वाली हरकत मत किया करो। जब आपकी टीम का कोई एक ही बंदा बचा हो ना, या आप डुओ खेल रहे हो या स्क्वाड भी, अगर एक ही बंदा बचा हो तो इतनी दूर जाकर मत बैठा करो कि अगर आप नोक हो जाते हो तो ना तो आपका टीममेट आपको रिवाइव दे पाए, और अगर ओ जाता ना आप दे पाओ। तो यार ऐसे मत घुसा करो टावर पे जाकर, मतलब बस इस तरह से जाके बैठ जाएंगे जैसे, तो भाई टावर पे जाने के बाद ना तुम्हारी पिंग अच्छी आने लग जाती है। अब आगे बंदे आ गए थे सिटी वाले, और मैंने जो इसका स्पीकर भी ऑन कर दिया था भाई। और यहाँ पर भाई ना तो मेरे पास स्कोप था, और वो भाई साहब जो है हेल्प हेल्प चिल्लाने लग रहे थे। भाई मैं किल चोर हूँ, शक्तिमान नहीं जो उड़कर ऊपर टावर पे आ जाऊंगा, तो ऐसी हरकत मत किया करो, वहां पर जाकर बैठ जाते हो। और ये मुझे बोल रहा था कि ऊपर आ जाओ, और अगर मैं ऊपर जाता ना भाई तो मेरी पेटी बन जाती, क्योंकि आगे ही बंदा था नहीं मरेगा अभी, आजा यार ब्रो, नहीं मरेगा, आजा भाई बचा ले यार, तेरे को जीतर मैं भी गई था। अरे सिक्स तक से अभी एक बार तो भाई मुझे ना यहाँ पर हंसी आने लग रही थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, इसने भी जो है मुझे आशीर्वाद दिया था तो मैंने भी इसको आशीर्वाद दे दिया, और इसने भाई मुझे ना 6x भी दे दिया। तो फिर तो भाई बिल्कुल मतलब दिल खुश हो गया कि भाई बंदे ने मतलब, चलो ठीक है जो भी है, जो पहले हुआ भाई भूल जाओ, प्यार बांटते चलो भाई जो भी है, ठीक है नफरत को जितना दूर हो उसके करो, मैं यही तो बोलता हूँ नफरत ना करके दूर। तो भाई मैं खुद भी नफरत को दूर कर देता हूँ। और ये देखो भाई साहब यहाँ पर ये क्या बिछाया हुआ था, मुझे लग रहा था कि ये बंदा है। तो जितना हो उसके भाई नफरत न करके दूर, दिल ते साथ निभाइयो, नफरत करने से कुछ नहीं होता भाई, ये जिंदगी बहुत ज्यादा छोटी है, तो जितना हो उसके प्यार बांटो प्यार। और अब जो है यहाँ से जो है हम जोर जो खाली कर कर निकल जाते हैं, और कपड़े चुरा कर भी निकल जाते हैं। तो आगे जाते तो भाई वहाँ पर जो है एक भाई जो है हमारे साथ ना बोट स्कैम करने लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि भाई ये जो है बिल्ली के रूप में भालू है, लेकिन इसको क्या पता कि भाई किल चोरी से भी ज़्यादा चालू है। अब देखना भाई इसके साथ हम क्या बनाएंगे। भाई इधर से नहीं दिखेंगे, घुस के मारेंगे, आ जाओ भाई। और अब इस भाई को भी हमने जो है मृत्यु दंड दे दिया था, क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई, किल चोर को यहाँ पर बुला करो भी बोट स्कैम करके, तो इसको तो टपका दिया। लेकिन अब जो है यहाँ पर एक गाड़ी और आ गई थी, और अब देखना भाई दो नंबर भी क्या क्या बोलेगा और कैसे उन बंदों को टपकाते। तो देखते रहना, कहीं जाना मत, अगर नहा रहे हो तो नहाते रहो, और खा रहे हो तो खाते रहो, और देखते रहो भाई इस वीडियो को। भाई कमर में रुक, ये क्या मार रहे भाई, ये अतर्म करे क्या, ओ
इस भाई को लगने लग रहा था कि भाई हम हैकर है, लेकिन इसको क्या पता कि भाई किलचोर नाम अपना भाई और रिरेंगल के हर कोने में मचाई है हमने तबाही। और भाई अभी जो है अपडेट के बाद ना जायरोस्कोप की सेटिंग ना हम ना 400 तक कर सकते हैं, तो मेरी पहले ना 3x तक फुल 300 थी और अब जो मैंने फुल 400 कर लिया, तो थोड़े से दिन ना शायद मुझे प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन भाई अब जो है मेरी मूवमेंट ना और भी ज़्यादा तेज हो जाएगी थोड़ी बहुत, तो इसका जो है थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा इसको सेट होने में, लेकिन हो जाएगा भाई। तो पहले मुझे ना कम लगती थी 300, अब 400 हो गई है भाई जायरो की, और मैंने फुल 400 कर लिया है। अब हम यहाँ पर आ गए भाई, और ऊपर छत पे जो एक बंदा था, लेकिन भाई उसकी पेटी ना किसी और ने बना दी, देखो उठ गया ना धुआं। और भाई अभी जो है दिवाली पर हमारा इंडियन वर्जन भी आ जाएगा, फिर उसी में खेलेंगे और मैं अपने गेम को जो और भी ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। और कुछ भाई बोलते कि भाई अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग दिखाओ, तो मैं अपनी दिखा दूंगा। वैसे 3x तक तो भाई मैं जायरो में ना फुल रखता हूँ 400। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि अगर आप स्टार्टिंग में ही इतनी हाई कर लोगे ना तो आपसे खेला नहीं जाएगा भाई। मैं भी जो है स्टार्टिंग से इतनी हाई में नहीं खेल रहा, मैंने भी धीरे धीरे जो है इंक्रीज़ किया है। अब ये देखो भाई यहाँ पर जो है एनाकोंडा है, अब इसको टपकाएंगे और फिर आगे देखना भाई कि हमारे दो नंबर क्या बोलने लग गए। भाई तू बंदे कैसे मार रहा है? और यहाँ पर भाई मेरा तो दिल खुश हो गया था भाई, एक किल और मिल गया, लेकिन ये बंदा नहीं था भाई, ये बाइक लेटी हुई थी यहाँ पर। दो स्मोक है मेरे पर। Marked a location. भाई तू अभी मेरे को पूरा कंफर्म है तू है पर है। भाई क्या नहीं मजाक हो रहे हैं, हम बेइज्जती करवाने आए हैं। गंदा मार रहा है तू बंदों को। नहीं ये मजाक हो रहा क्या भाई, हम क्या यहाँ पर बेइज्जती कराने आए हैं? उम्मीद है भाई ये सुनकर जो आपको हंसी तो पक्का आई होगी भाई, मुझे भी बहुत ज्यादा हंसी आने लग रही थी कि भाई ये बोलने क्या लग रहा है। तो जो भी है भाई आज की इस गेम प्ले वीडियो में ना मज़ा आया होगा भाई, आपको पता होगा। वैसे मुझे गेम प्ले में बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई आज इसके साथ, और दिल खुश हो गया भाई। अब जो है लास्ट में जो भाई एक बोट अंकल भेज दिए भाई पबजी वालों ने हमारे पास की टीम अप करो इसके साथ। वैसे भाई मुझे नहीं पता कि ये कैसे बचा हुआ था, इसके प्राण अभी तक किसी ने क्यों नहीं लिए, लेकिन हमने भी नहीं लिए भाई स्टार्टिंग में, तो हम इसके साथ जो टीम अप करने वाले थे, लेकिन ये मान ही नहीं रहा था भाई। मैं इसके आगे जंप कर रहा था लेकिन ये मार रहा था भाई, शायद नाराज़ हो गया होगा भाई हमसे। तो बोट अंकल ऐसे नहीं करते, अब इसको टपकाऊंगा भाई, इसकी मौत जो है बहुत ही बुरे तरीके से लेंगे हम, लेकिन देखते हैं भाई थोड़े से मज़े लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था भाई इसके जो है प्राण निकलने वाले, अब इसका टाइम आ गया था भाई, भाग गया। अब देखो मैं इसको फिर से मारने लग रहा था, और भाई साहब देखना वाह भाई, अब एक बार तो ये लग रहा था भाई कि कहीं यही ना टपका दे हमें, फिर से बच गया भाई। अब इसकी कहानी खत्म होने वाली है। अरे भाई फिर बच गया। तो यहाँ पर जो भाई हमारा डिनर हो चुका था, और बोट अंकल को भी हमने टपका दिया था। तो उम्मीद है आपको ये वाली गेम प्ले वीडियो जो बहुत ही ज्यादा मस्त लगी होगी भाई। अगर अच्छी लगी तो भाई अपने हाथों को मत रोको, लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोको, और बेल आइकन भी दबा दियो भाई, तभी तो फ्यूचर मचाएगा तब आई।